दोस्तों, बाइक और कार को स्टार्ट करना बहुत ही आसान है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन को कैसे स्टार्ट किया जाता है? तो इस वीडियो में जानेंगे कि एरोप्लेन को कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो बाइक और कार में तो सेल्फ लगी होती है जो कि बैटरी ऑपरेटेड होती है, और इसी से कार को और बाइक को स्टार्ट कर दिया जाता है। और बाइकों में तो सेल्फ भी लगी होती है और बाइकों में तो किक भी लगी होती है, इससे भी स्टार्ट हो जाती हैं बाइकें। और एरोप्लेन की बात करते हैं, वहीं उसमें बड़ा इंजन होता है, ज़्यादा पावरफुल, उसके लिए ज़्यादा बड़ी बैटरी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए उसके लिए एक छोटा सा इंजन होता है जो कि पहले वो स्टार्ट किया जाता है एंड देन दोबारा मोटर घुमा के उसमें उसका बड़ा इंजन स्टार्ट किया जाता है, और इसी प्रकार इंजन को स्टार्ट किया जाता है। क्या आपको ये पहले से पता था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी फैक्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।